गाइस वेलकम टू माय चैनल आज मुझे तो न्यू वीडियो के साथ तो आज हम कर रहे हैं ब्लॉन्ड टाइप का हेयर कलर तो वन डाई कर रहे हैं लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं होता तो की वॉचिंग माय चैनल आपने किस तरीके से करना है और अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं इरम ब्यूटी सैलून पे तो आप देखें किस तरीके से हम लोग उसको डाई करते हैं क्योंकि वॉचिंग ईजी का जो है ना हम लोग ले लेंगे डेवलपर और साथ में हमारी ये ट्यूब है जो कि नंबर है हमारा कहाँ गया नंबर हमारा आएगा इजी का 7NW जो कि है मीडियम नेचुरल वार्म ब्लॉन्ड कलर तो अब ये हम वन डाई करते हैं तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं पहले मिक्स कर लेते हैं थोड़ी यूं बना लेंगे थोड़ी तो अब हम ये पूरी जो एक ट्यूब है इसमें ऐड कर देंगे उसके बाद हम इसमें जो डेवलपर है वो कितना डालेंगे वो भी हम आपको अभी बता देते हैं ठीक है जी तो ये हमने जो है वो डाल दिया है ईजी कलर का डेवलपर तो ये हमने अगर हमारी एक ट्यूब थी तो उसका हमने डबल जो है ना वो डेवलपर लिया है उसको मिक्स कर लेंगे तो अगर आप न्यू हैं आपको मुश्किल होगी तो आप उसको ऐसा करें कि किसी मेजरिंग कप में या ऐसे कर लें ताकि आपको आसानी रहे अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं मिक्सिंग हमने अच्छी से करनी है ब्रश से कर रहा है हमारा जो बीटर होता है उससे कर सकते हैं स्पून होता है उससे भी अच्छे से कर सकते हैं एक्चुअली ना वो थोड़ा गला ख़राब है हमारा मिक्स ऐसे हो चुका है इतना लिक्विड ही होना चाहिए आपका टेक्सचर बिफोर रिजल्ट देख रहे हैं आफ्टर का देखते हैं क्या रिजल्ट आता है क्योंकि वॉचिंग में चाह रही हूँ ये ब्राउन मेरा था मैं बिल्कुल जो है ना ब्राउन क्या कहते हैं उस शेड में जा रही हूँ ब्राउन से लेट्स सी क्या जी हम कट डाउन नहीं कर रहे बिना कट डाउन के हम बालों को डाई करेंगे कट डाउन से बिल्कुल गोल्डन वाले नीले वाले सीन के बैठ गए अब हम अपना डाई स्टार्ट करते हैं मैं खुद नहीं करूँगी वेदर ना है अच्छा तो हमने एब्रेन पहना दिया इनको ठीक है ना अभी हम आपको जो है ना ये बालों का टेक्सचर चेक करें ज़रा कलर चेक करें बाल डार्क ब्राउन शेड है इसका तो बैक साइड से मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि वीडियो मैं खुद बना रही हूँ तो फ्रंट से मैं आपको दिखा रही हूँ आपने जो है ना ऐसे सेशन करने और इसको पूरी लेते जाना है अभी कलर लगता है हमारे तो आपने ऐसे अप्लाई करके हाफ इंच हमने छोड़ ही अपनी बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करनी है इतनी अच्छी मैसिफिकेशन हुई होगी बस इतना अच्छा रिजल्ट आता है और एक एक बार के अंदर कलर जाए जाना चाहिए इतना अच्छा कलर होगा एप्लीकेशन आपकी अच्छी हो अच्छा जी आफ्टर 45 मिनट हमने वॉश कर लिया सिंपली और फिर उसके बाद हम इसको ड्राई कर रहे हैं बालों को फिर मैं इसका फाइनल रिजल्ट आपको दिखाती हूँ तो अभी अच्छे इसको आपने ट्राई करना है विद ब्रो ड्राई और आप जो है वेट कर सकते हैं कि आपके जो है ड्राई हो जाए बाल और जो अगर मैं पॉलर स्टाइल में बोलूँ तो आपका जो रिज़ल्ट आता है वो 2 से 3 वॉश के बाद आपको जो है ना रिज़ल्ट शो होता है ठीक है यहाँ मैंने जो 7NW लिया था विदाउट डाई किया तो बिल्कुल एग्जैक्ट वो कलर नहीं हमारे पास आया और थोड़ा सा कम मतलब ब्राउन शेड में ही आया पर बिल्कुल सेम वो नहीं आया जैसा आपको 7NW ईजी हेयर कलर का मिल जाएगा पर ये अच्छा लग रहा था गोल्डन टाइप थोड़ा सा शेड इसमें आ रहा था तो कि वॉचिंग माय चैनल सब्सक्राइब टू इट